पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। घर की मुर्गी दाल बराबर। 24 साल में माँ ने एक बार भी हमारे लिए हलवा नहीं बनाया और इन लोगों को आए हुए 24 दिन भी नहीं हुए और उनके लिए बना रही है। माँ से उम्मीद नहीं थी कि वो सब कुछ इतनी जल्दी भूल जाएंगी। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आए रहे, खाए पिए और चल दिए। हम लोग फिर यही के यही रह जाएंगे और ये लोग चले जाएंगे अपने बड़े बड़े व्यापार को और बड़ा करने। ये सही है, तरक्की इनके हिस्से, फकीरी हमारे हिस्से। देखना मौली, फाइनली मैं जानकी माँ से माफी मांग ही लूंगा। अगर जानकी माँ आपको माफी दे देंगे तो बाकी सब भी दे ही देंगे। पापा, तन्वी और मैं पहले जाएंगे, बच्चे बाद में आएंगे। वो क्या है ना, वो लोग पहली बार इंडिया आए हैं तो थोड़ा घूम फिर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बच्चों के साथ थोड़े दिन और रुक जाते, वापस जाने की ऐसी क्या जल्दी है बेटा? पापा, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वरना मैं रुक जाता। वहां पूरा रेस्टोरेंट मेरे भरोसे चल रहा है। मेरी भी यही समस्या है पापा, मन बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, पर स्वरा के भाई का फोन बार बार आ रहा है, वहां अकेला वो कैसे सारा बिजनेस संभाले। तुम प्लीज कुछ नहीं बोलोगे? जाने दीजिए भैया, मेहमान है, आज नहीं तो कल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं नन्हे भैया, लगाव को आदत और आदत को मजबूरी बनते देर नहीं लगती। छोड़िए इन बातों पर मत जाइए, हमने हलवा बनाया है सबके पसंद का, लीजिए खाइए। थैंक यू। जानकी माँ के हाथ का हलवा इतने सालों बाद, तरस क्या था इसके लिए जानकी माँ, इसकी खुशबू बहुत याद आती थी। मन और पेट दोनों भर के खा लो, जाने फिर कब मिले। उज्जैन जा रहे नई शुरुआत करने, मुंह मीठा मन अच्छा करके चलेंगे। मुंह मीठा तो मैं अब तभी करूंगा जब जानकी माँ मुझे माफ करके ना तेरे सर पे आशीर्वाद वाला हाथ रख देंगे। जानकी माँ, मैं तो चाहता हूं कि ये हलवा मुझे बार बार मिले। आपकी माफी का भूखा हूं जानकी माँ, इसलिए तो यहां पर आया हूं। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मन में जो भी गिले शिकवे शिकायतें हैं उन्हें रख के क्या फायदा, भूल जाओ उन्हें, माफ कर दो और आगे बढ़ो, है ना जानकी? फर्श पर कभी कभी कुछ धब्बे पक्के पड़ जाते हैं, कालीन बिछाकर उन्हें भुलाया तो जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। कुछ गलतियां भुलाई जा सकती हैं पर माफ नहीं की जा सकती हैं। हलवा खाओ, मीठे मुंह और मीठे मन चले जाओ, खुश रहो।
अकू, मिनी का कोई रिश्ता है या तुझे किसी भी तरह की कोई भी जरूरत कभी महसूस होना तो फट से फोन लगा देना बिना सोचे, ठीक है? मिनी, ये रख लो, जब भी कुछ खरीदने का मन करे खचाक कार्ड चला देना, जरा भी सोचने की शर्माने की जरूरत नहीं है, लो। ताऊजी ना हम दोनों के लिए प्यार से दे रहे, मिनी रख ले, मना मत करना। हाँ तुम दोनों यूज कर लेना, बिल तो तुम्हारे ताऊजी भर देंगे। और आप क्यों शांत है? आप तो इतने अमीर डॉक्टर हैं, आपको नहीं दिखाना परिवार के प्रति अपना बड़प्पन? ये तो क्या कह रहा है? तो और क्या, तो मिनी की शादी के लिए आए थे, शादी टूट गई तो चुपचाप वापस जाइए ना, ये दिल दरिया का दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये ले लो वो ले लो, इनको फोन करना, अरे ये सब नौटंकी क्यों? अकू क्या हो गया तुझे, क्या बोल रहा है तू? ये बोलेगा तो सारा उज्जैन, क्योंकि शादी मेरी बेटी की टूटी है, सुनना मुझे पड़ेगा, ठीक है? मुझे गलत जगह नहीं बहाना था अपनी बेटी को, दिक्कतें तो बढ़ गई ना। हाँ तो तेरी हर दिक्कत में हम तेरे साथ हैं अकू। ये सब कहने की बातें हैं, बड़ा 24 साल में मेरी दिक्कतों में मेरे साथ खड़े थे आप। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके क्या महान बनना चाहते हैं आप? अकू तुझे सुनाई भी दे रहा है, तू क्या कह रहा है? आज भी आप इन्हीं का साथ देंगे बड़े पापा? 24 साल के बाद आए ये लोग, माफी का मीठा हलवा खा के चले जाएंगे दो दिन में, उसके बाद क्या? रोजमर्रा की कड़वाहट तो मुझे ही झेलनी होगी ना। अक्कू कितनी बार जताएगा ये? अक्कू हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जाने के बाद तूने इस घर को बड़ी कठिनाइयों से संभाला है, और जो हो गया सो हो गया, अब हम सच में तेरा साथ देना चाहते हैं। हाँ अक्कू, कैसे भरोसा दिलाए तुझे? स्टैम्प पेपर पे लिख के दे तब मानेगा तू। सही बात है अजू दादा, आप लोग के ना रहने पे घर और दुकान मैंने संभाली, मानते हैं ना? कोई मना कर रहा है आपको? सब मान रहे हैं। और अब आप लोग घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी और मेरा साथ देना चाहते हैं, है ना? हाँ, यही बात तो मैं तुझे कब से समझाना चाह रहा हूँ। तो फिर सिर्फ कहने से नहीं होगा दादा, जो कहा वो करके दिखाइए। आपने कहा ना कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दू क्या? हाँ दीजिए, मुझे स्टैम्प पेपर पे एनओसी लिख के दीजिए कि इस घर में और दुकान में आप लोगों का कोई हक नहीं होगा। अक्षय रुकिए चाचा जी, क्या गलत कह रहा है आपको? आज चाहे घर हो या दुकान, सब कुछ अक्कू की वजह से बचा है। ये बात चाहे आप सब लोग भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगी और ना ही किसी को भूलने दूंगी। ठीक है, मुझे इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बता आपको, तू जहां बोलेगा मैं साइन कर दूंगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुला अपने वकील को, हम अपना हिस्सा तेरे नाम करके ही वापस जाएंगे। पर हम अपना हिस्सा किसी के नाम करके नहीं जाएंगे। इस घर में मनोज पापा का हिस्सा भी है ना, और हम वो हिस्सा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहेंगे, इसी मेहंदी वाले घर में। मौली, मैं अपनी बात फिर से कह रही हूँ,
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।